सोने के भाव में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। कई लोगों को सोने की ज्वेलरी पहनने का शौक है तो कई लोगों को सोना एक धरोहर के रूप में रखना पसंद है। तो ऐसे में ये खबर आपके बड़े काम की है। सोने की कीमत आसमान छू रही है। बढ़ती महंगाई के बीच सोने की कीमत में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार सोने के भाव रॉकेट बने हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या दिवाली पर सोना अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा, 80,000 के पार जाएगा? क्या दिवाली में सोना चांदी के दामों पर सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? आखिर सोने की कीमत आसमान क्यों छू रही है? दिवाली नजदीक है और दिवाली से पहले धनतेरस पर कई लोग सोना चांदी की तो खरीदते ही हैं। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन बीते कुछ महीनों का अगर ग्राफ देखें तो सोने और चांदी के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है। बकायदा बाजार में गोल्ड के मौजूदा दाम मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम कम से कम 78,000 रुपए के लेवल को पार कर नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि वायदा बाजार ने मौजूदा साल में गोल्ड ने निवेशकों को 10 ग्राम पर 15,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करा दी। करीब 10 महीने के निवेशकों में 10 ग्राम गोल्ड पर 24% का रिटर्न मिल चुका है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतों में और 2,000 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी। असल में गोल्ड की डिमांड में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके प्रमुख कारण फेस्टिव सीजन के अलावा यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती और आने वाले समय की फेड कोर्ट की ओर पॉलिसी रेट में कट की संभावना है। इन दोनों कारणों के अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी गोल्ड को काफी सपोर्ट कर रहा है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले निवेशक गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पर देख रहे हैं, जिसका असर गोल्ड की बढ़ती कीमतों के रूप में देखने को मिल रहा है। अब दिवाली तक होगा 2,000 रुपए तक का इजाफा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिवाली तक गोल्ड की कीमत में 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा देखने को मिलेगा? जी हाँ, ये सवाल भी इसलिए अहम है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गोल्ड की कीमत 80,000 रुपए के पार हो जाएगी, जिसका असर काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो मौजूदा महीने में गोल्ड की कीमतों में कम से कम 2,849 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। तो बीते 10 डेज में गोल्ड के रेट की अगर बात करें तो 3,163 रुपीस की तेजी देखने को मिल रही है और रफ्तार ऐसी है कि गोल्ड की कीमतों को कम से कम 80,000 रुपीस के लेवल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर देर रात भले ही मुनाफा वसूली देखने को मिल रही हो और 9 रुपए की मामूली गिरावट के साथ गोल्ड का कारोबार बंद हुआ, लेकिन सोमवार को सोने की कीमत 78,460 रुपीस के साथ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे। वैसे सोना 78,077 रुपए पर ओपन हुआ था और कारोबारी छत्र के दौरान 77,868 रुपए के दिन के लोअर लेवल पर पहुंच गया है। अब बाजार बंद हुआ है तो गोल्ड की कीमत 78,030 रुपए देखने को मिल रही थी। अब जानकारी की माने तो गोल्ड में निवेशकों के बाद मुनाफा वसूली शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमत में तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जिन लोगों की शादी ब्याह है, जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, उन पे भी काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा अगर गोल्ड की कीमतों में इतना इजाफा होता है तो। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।